हमारे साथ इग्नू दिल्ली से कुछ स्टूडेंट हैं जो यहाँ चंडीगढ़ में यू सोल स्टडी सेंटर में पढ़ रहे हैं और इन्होंने बहुत नोबल कॉज के लिए आज यहाँ पर आए हैं। चलिए इन्हीं से और डिटेल्स लेते हैं इसके बारे में। हेलो सर। हेलो मैम। आपका नाम? बलवीर धवन। सर किस पर्पज़ से आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? मैम हम बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, सोशल वर्क डिपार्टमेंट के। मैं MSW सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और ये भी मेरे साथी हैं। तो आज हम जो है कल से हमने असम और बिहार में जो हड़ आए हुए हैं उनके पीड़ितों के लिए हमने अपने एक सामाजिक कार्य करने के लिए ये कैंपेनिंग शुरू करी थी यहाँ जीरकपुर में। तो हमने यहाँ बेसिकली दुकानदारों को और नियर बाय जो सोसाइटीज़ हैं उनमें लोगों को जाके अवेयर किया, उनसे सहायता के लिए प्रेरित किया उनको, और हमें बहुत अच्छा सपोर्ट लोगों का मिला है। कल भी बहुत अच्छी एक कलेक्शन हमने की है जो स्टोर में रखी है, और आज भी लोग हमारे पास आ रहे हैं जो कि यूज़फुल थिंग्स जैसे कोई कपड़े दे रहा है, कोई जूते दे रहा है, कोई दवाइयाँ दे रहा है, कोई हमें खाने पीने की रस यहाँ से लेके दे रहा है। तो ये हम गूंज जो एक NGO है दिल्ली में उनके साथ कोलैबोरेशन करके कर रहे हैं। तो ये हम आज इकट्ठा करेंगे, कल इनको पैक करेंगे और फिर ये हम दिल्ली गूंज के ऑफिस में भेज देंगे जहाँ से ये जो विक्टिम्स हैं उनके पास पहुँचा दी जाएगी। तो क्या लगता है आपको एक्चुअली सामान पहुंच जाता है वहां पर या कुछ इसके लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, सामान बिल्कुल वहां तक पहुंचेगा क्योंकि गूंज एक नेशनल इंडिया की वन ऑफ बेस्ट NGO है जो कि सिर्फ डिज़ास्टर के उसमें ही काम कर रही है। तो एज़ आपने देखा भी होगा स्टार प्लस पे भी इनकी ऐड आती है। गवर्नमेंट अगर इन पे फेथ करती है तो हमें भी इन पे फेथ करना चाहिए। मोरोवर आई हैव फ्रेंड्स इन डिज़ास्टर मैनेजर्स जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो मैंने उनसे भी ये एक कंफर्म किया है कि हम इस NGO के साथ काम करें, हम यहाँ से सामान भेजें, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है कि हम डायरेक्टली आसाम सामान भिजवाएँ, तो हमें भी किसी की हेल्प चाहिए। और लास्ट टाइम जब यहाँ पे केरला फ्लड्स आए थे केरला में, तो उस टाइम भी हमने यहीं पे कैंपेनिंग करी थी और उस टाइम भी हमने एक ट्रक भरकर यहाँ से सामान भेजा था अराउंड 4-5 लाख का, जो कि हमने उस टाइम भी गूंज के साथ ही काम किया था। तो आपको क्या लगता है जितना आपका एक्सपेक्टेशन है लोगों से, लोग उसको फुलफिल कर रहे हैं, मतलब एफर्ट डालते हैं वो अपने दिखाते हैं कि हाँ एक्चुअली ये भी इंडिया के कंट्रीज हैं और हमें हेल्प करनी चाहिए लोगों की? बिल्कुल मैम, लोग बहुत बढ़ चढ़ कर हेल्प करते हैं। एज आपने देखा होगा अभी यहाँ पर एक शॉपकीपर हैं PTC मार्ट करके, तो वो हमें अराउंड 10,000 का राशन यहाँ पर देकर गए हैं। इसके अलावा लोग आते हैं, कोई हमें ड्राई मटेरियल दे रहा है लाइक कॉइल्स हो गई और मेडिसिन हो गए, और कुछ लोग कपड़े भी देके गए हैं जो कि बहुत पुराने नहीं हैं, इट इज़ लाइक गुड कंडीशन, इन गुड कंडीशन वेयरेबल क्लोथ्स हैं। हम ऑलरेडी लोगों से यही अप्रोच करते हैं कि आप हमें पुराने कपड़े दो, हमें कोई इशू नहीं है, बट वो पहनने लायक हों किसी के। बाकी मैम हमें शूज़ देके जा रहे हैं लोग, और हमें अभी मुझे कल मेरे घर पे कोई छोड़ के गया है सामान, तो उसमें हमारे पास फिनेल है, हैंड वॉशेस के बड़े बड़े पैकेट्स हैं 5-5 लीटर्स के, और चावल है मेरे पास घर पे बड़ा है। इसके अलावा अभी एक सोसाइटी चंडीगढ़ एनक्लेव से मुझे कॉल आया है, तो वो कह रहे हैं हमने पूरी सोसाइटी से मटेरियल इकट्ठा करके हम शाम तक आपके पास पहुंचा देंगे। कल जो है हमारी कलेक्शन में एक पेंटा होम सोसाइटीज, तो उन्होंने करीबन 20,000 का राशन जो है वो हमें कल देके गए हैं, जो मटेरियल सारा खाने का, उसमें चीनी भी है और दालें हैं सब कुछ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच एंड यू आर रियली डूइंग अ नोबल कॉज एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।